ये बताइए ऐसे आदमी की क्या सजा बनती है जो इफ्तारी से 2 मिनट पहले शरबत का जग गिरा दे और वो भी पकौड़ों पे। कुछ बुजुर्गों को देखा, जब वो अपनी बात को अच्छी तरीके से समझा नहीं पाते ना तो यही कहते हैं, बेटा इतनी तेरी उम्र नहीं है जितना मेरा तजर्बा है। मैंने कुछ लड़कियों को देखा इतनी सेंसिटिव होती हैं, एफएम पे कॉल करके फरमाइश कर रही होती है, सुनिए कोई सैड सॉन्ग लगा दीजिए, मेरा बिस्किट चाय में डूब गया। क्या ये बात सच है कि हमेशा 3 सहेलियों में एक बेवकूफ, दूसरी समझदार और तीसरी ठरकी होती है? अच्छा, 3 का एक जो ग्रुप होता है जो पैरा देरी होती है। हाँ, नहीं 3 का ग्रुप सही नहीं होता। चलिए, मैंने मैच में देखा ये लेग एम्पायर जो ऐसे ही फारिक खड़ा हुआ होता है, बॉल पकड़ के दे दे, ये ले पकड़ ले। ये जो वीरान सी आंखें हैं तेरी, ये जो वीरान सी आंखें हैं तेरी, ये जो वीरान सी आंखें हैं तेरी, मैं बहुत पहले यहीं रहता था। ड्रामों में ना एक जुमला होता है ये वाला, ड्रामों में क्या जुमला होता है, लड़का लड़का लड़की से कह रहा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, लड़की कहीं उंगली नीचे करके बात करो, उंगली मत दिखाओ मुझे। हाँ, बुरा लगता है यार, रिस्पेक्ट है, हो सकता है उन्हें अच्छा लगता है जो बोलते हैं। हाँ, कहते हैं जीने की वजह कोई नहीं पूछता लेकिन मरने के बाद सभी पूछते हैं, हाय हाय कैसे मर गया, हाय हाय। अस्सलाम वालेकुम उस्मी बरकत भाई। वालेकुम अस्सलाम। और जब आप आते हैं मैं पूछता हूँ रोजे कैसे जा रहे हैं, क्योंकि रमजान चल रहा है यार। रोजे हम रख रहे हैं और दर्जात जो है वो महंगाई के बुलंद हो रहे हैं। क्या बात, 200 रुपए किलो तरबूज यार, ये अब देखो ना ये 250 रुपए दर्जन केला। हाय 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 हाय, अब आप देखे ना हर चीज महंगी, सिर्फ इंसान ही सस्ता है, बस इंसान ही सस्ता है। और ये जो मकोड़ों के लिए जो वो बनता है बेसन, पकौड़ों के लिए, अच्छा मकोड़ों के लिए ना, मकोड़ों के लिए यार, वो मेरे दोस्त मकोड़े कहता है, मुझे मकोड़ा नहीं। अच्छा, मकोड़ा तो पैंट वैंट में होता है ना, उसको कहते हैं। यार हमारे मुल्क में जो कुछ होता है वो दुनिया में कहीं नहीं होता। आप ये देखो, दुनिया चांद पर पहुंच गई है और हमारे मुल्क में घर से निकला हुआ बंदा वापस घर पहुंच जाए तो बड़ी बात है। आप देखे ना, बाहर के मुल्कों में जब आप सो के उठते हैं आवाज आती है, नाइस डे, गुड मॉर्निंग, हैव अ लवली डे, और हमारे मुल्क में जब सो के उठते हैं तो आवाज क्या आती है, जूसर ग्राइंडर ठीक करा ले, कूलर दी टोटी लगवा ले। ये वो भी तो आता है, क्या एंजॉय करें, क्या बात। वो भी तो आता है, वो जो क्या कहते हैं उसको, पुराने कपड़े दो ना गंदे, वो चूजा देता है। वो क्या बहुत पहले देता था, वो गंदे कपड़ों का क्या करता है? नहीं वो पता नहीं, वो उसे साफ करके बेचता है। अबे हमारा तो आता था कपड़े, गंदे कपड़े तो चूजा देता था, और वो चूजा होता भी नहीं था, सिर्फ आपको देता हूँ। अच्छा, 2-3 दफा आपने गंदे कपड़े दिए, उसने वापस कर दिए थे, बोले यार तुमने गंदे कपड़ों में कलफ कैसे लगाया, क्योंकि कलफ तो धुलने के बाद लगता है। आप उसे 10 जोड़े दोगे ना तो वो एक बीच में से डोंगा निकालेगा प्लास्टिक का, वो देगा। अब ये करता है, अबे यार अभी रमजान चल रहे ना तो 2 मच्छर आपस में बात कर रहे थे, कह रहे यार रमजान में जिसका भी खून चूसो रूह अफजा जैसा टेस्ट आता है। इतना शरबत पी रहे खून में रूह अफजा आ गया। अच्छा एक बात है, रूह अफजा, ये रूह अफजा में रूह किसकी है? वाह वाह, उसके ऑनर की है, ये ऑनर की है, ये ऑनर की है, और किसकी होगी, उसका खून पसीना है, इस जैसा शरबत नहीं है यार। आप देखें पूरी दुनिया में माशाल्लाह से मुसलमान है, लेकिन सहरी डन, अफतारी डन, ये आपको सिर्फ पाकिस्तान में मिलेंगे। हाय हाय, वाह वाह वाह। और देखिए ना ये शरबत, हमारे शरबत तो कुछ अलग है यार, आप वोडका पी लें, कच्ची पी लें, वो बात नहीं आ पाती जो हमारे शरबतों में आती है। क्या बात है, क्या मिसाल दी है, क्या बात है, ऐसा मैंने पीता हुआ देखा है, बहुत अच्छे, मैंने पीता हुआ देखा, घुमाया बात को आप, हम नहीं, हम नहीं। अच्छा आप दोनों सही लोग बैठे तो आप दोनों से मेरा एक सवाल है, ये बताइए ऐसे आदमी की क्या सजा बनती है जो इफ्तारी से 2 मिनट पहले शरबत का जग गिरा दे, और वो भी पकौड़ों पे। क्या सजा बनती, यानी पकौड़े भी गए शरबत भी गया यार, बोले यार रोजा खोल रहा हूँ मैं, गाली दूं कि क्या करूं यार, कुत्ते की तरह मारो, मैं कह रहा कुत्ते की तरह मारो। यार हमारे मोहल्ले में एक बुजुर्ग फरमा रहे थे कि आजकल के दौर में मोमिन वही है जिसका मोबाइल पूरे घर वाले यूज कर सके। वाह वाह वाह, क्या बात की, क्या बात। मैंने कुछ बुजुर्गों को देखा, जब वो अपनी बात को अच्छी तरीके से समझा नहीं पाते ना तो यही कहते हैं, बेटा इतनी तेरी उम्र नहीं है जितना मेरा तजर्बा है। आखिर में यही बचता, यही होता, यही होता। अच्छा हालात को लेके, माहौल को लेके हर आदमी इतना सेंसिटिव हो गया। और मैंने देखा, मैं अगर स्पेशली बात करूं, मैंने कुछ लड़कियों को देखा इतनी सेंसिटिव होती है, एफएम पे कॉल करके फरमाइश कर रही होती है, सुनिए कोई सैड सॉन्ग लगा दीजिए, मेरा बिस्किट चाय में डूब गया। ये कौन सा, और एक आपका बिस्किट है चाय में डूबा ही रहता है। अच्छा आप ये बिस्किट की बात कर रहे हैं तो मैं आपके इस प्रोग्राम के जरिए अहमद साहब, मैं बिस्किट की कंपनियों से गुजारिश करना चाहता हूं कि प्लीज बिस्किट के पैकेट पे ये बात मेंशन कर दीजिए कि बिस्किट को चाय में कितनी बार डुबो सकते हैं। हाय 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 हाय, अच्छा यार ये सही कह रहे, हर बिस्किट की अपनी खासियत है। टूट गया था यार, बिल्कुल यार, ये दालो ठक अंदर। हाँ मैं कहां से जाऊं अंदर, हाँ इसकी मैं फिर मैं चमचे से निकालूं, डालो ढकन, डालो निकालो, ऐसा लगा मैंने
उंगली निकाली है। अच्छा आप तो चमचे से निकालते हैं, बहुत से लोग उंगली से निकालते हैं। हाँ। अच्छा मैं पता क्या करता हूँ, मेरा तरीके का ये है, उंगली से मुंह से भी निकालते हैं। जो चमचे की बात करें ना, आप देखो एक बंदा डॉक्टर के पास जाके कह रहा, डॉक्टर साहब जब भी मैं चाय पीता हूँ ना मेरी आंख में दुखता है। डॉक्टर साहब करें, ओहो आप एक काम करें, आप चमचा निकाल कर पिया करें। वाह 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 क्या बात की। और आपको पता है बहुत से लोगों को चाय गर्म इतनी अच्छी लगती है, उनका बस ना चले मुंह में छलनी डाल के छनवा ले। वाह वाह क्या होता है, ये क्या बात की आपने। आप ये तो ये घरों के झगड़ों में होता है। आप देखो शौहर कह रहा बीवी से, सुनो चाय गर्म ही देना, बीवी कह रही है मुंह में ही छान दूं क्या। एक सेकंड यार मैं कह रहा हूं कि हमारे हमारे आज स्टूडियो में, हां स्टूडियो में आज रौनक है, सूरत गेस्ट आई हुई है यार, और अभी चाय की बातें कर रहे हैं। चाय की बात यार, ये जब गेस्ट आती है ना मैं कहता हूं कि बस फाड़ दो, क्या पेपर पेपर फाड़ दो, पर्दे फाड़ दो, रजाइयां फाड़ दो, सारे स्क्रिप्ट फाड़ दो, स्क्रिप्ट फाड़ दो, बातें होंगी। फ्रेंड जब ये आती है अंदर से मेरा ऐसा एक ऐसा अंदर से एक मतलब फील आता है कि आज कुछ अच्छा होने वाला है, फील आता है कि फौरन मैं निकाह खुआ को बुलाऊं और उसका निकाह इससे करवा दूं। अच्छा आपकी और मेरी भरपूर तालियों में तशरीफ लाती हैं रोज। वाह 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 बहुत दिनों बाद आई आप, आपके पास टाइम नहीं था, बहुत मसरूफ हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। She's so busy in dramas. नहीं आपके ड्रामे माशाल्लाह देख रहा हूँ मैं, और जब भी देखता हूँ ना मेरी मम्मी आ जाती है तो बंद करना पड़ता है फर्क। नहीं मैं कर, वो मेरे ड्रामे नहीं होंगे जो आप देख रहे होंगे। हाँ, वो कुछ और चीजें आप देख रहे हो। आप ऑफ ईयर भी जो ड्रामा करती हैं आने के साथ वो भी देखता हूँ। आप आ नहीं रही थी रोज, मैंने सुना आप नाराज है मुझसे, कोई बात बुरी लग गई आपको? नहीं आपसे नहीं नाराज हूँ। अच्छा आपने किसको मिस किया, बरकत भाई को, उस भाई को? मुझे तो नहीं कर सकती, मुझे तो ये खड़ूस कहती है। जो माहौल चल रहा है, इफ्तारी का माहौल चल रहा है, सहरी का माहौल चल रहा है, रमजान का माहौल चल रहा है, उसमें क्या ये आपने देखा कुछ ऐसी चीज आपने नोट की, लोग जो वही गुस्सा रोडों पे, कोई मोहब्बत देखी, शफकत देखा, प्यार देखा? बिल्कुल, मैं वही आज हम लोग सेट पे भी ये बात कर रहे थे कि लोग समझते हैं कि रोजा रखना इज जस्ट के भूख और प्यास, मतलब खाना नहीं खा सकते और पानी नहीं पी सकते। रोजा हर चीज का होता है, आपकी नीयत का, आपके करप्शन का, हर चीज का। और मजे की बात यह है कि रमज़ान में तो एक रजिस्टर्ड फैक्ट है कि शैतान बंद है, तो अगर सारे जो गलत काम हो रहे दैट मींस वो इंसान खुद कर रहा है ना। हाँ। तो फिर शैतान को नहीं ब्लेम करो ना, लेकिन फिर आप मजबूर भी तो कर रही ना शैतान को गलत काम पे। शैतान तो बंद है, शैतान तो बंद है, दैट मींस अगर कोई गलत काम रोड पे अगर कोई फड्डे कर रहा है तो वो खुद इंसान गुस्सा करके कर रहा है ना। आपका रमजान में फड्डा हुआ है किसी से बताएं? नहीं मेरा नहीं। कोई ऐसी चैटिंग आपने की हो या किसी ने आपको की हो उसके बाद आपको अंदाजा हुआ अभी ये तो शैतान ने नहीं करवाई? नहीं ऐसा कोई नहीं। शैतान क्यों, क्या करवाता है? ये इंसान का एक एक वो हो गया है, एक रिलायंस हो गया, क्रच हो गया है कि कोई भी गलत काम करके फौरन एक चीज पे डाल दो। शैतान ने करवा दिया, शैतान को बोला, ने करवा दिया। हाँ, मैं मुझे तो फेंका दिया। बेचारा खुद कंफ्यूज होके खड़ा हुआ कि भाई ये आइडिया तो मैंने नहीं दिया था, ये तेरा अपना आइडिया है। वाह वाह वाह, क्लोज रिलेशन है आपका शैतान से, ये इतनी क्लोज बता रही है शैतान, ऐसा लग रहा है बता के जा रहा है। मुझे नहीं लगता शैतान इतने कोई वाहियात आइडियाज देता होगा जो इंसान चीजें कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बड़ी अच्छी बात की, तो इससे मुझे याद आ गया लड़कियों के लिए एक मैसेज। हाँ। लड़कियों के लिए एक मैसेज है कि अगर कोई आपको पसंद करता है तो खुद आपके माँ बाप तक पहुंच जाएगा, सस्ते आशिकों से गुरेज करें। वाह 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 वाह, भाई भाई अगर कोई आपको कोई पसंद करता है तो बिल्कुल सही है, वो रिश्ता लेके आएगा और तमीज से। एग्जैक्टली, एक सवाल कनेक्ट करूंगा, क्या ये बात सच है कि हमेशा तीन सहेलियों में एक बेवकूफ, दूसरी समझदार और तीसरी ठरकी होती है? अच्छा तीन का जो ग्रुप होता है, पैरा दे रही होती है। हाँ नहीं, तीन का ग्रुप सही नहीं होता, बिकॉज वो हमेशा दो क्लोज होती है और एक बेचारी हमेशा लेफ्ट आउट होती है। इवन लड़कों में भी यही होता है, जो ट्रायंगल होता है। क्या कहते हैं, कमॉन सक्की, कमॉन कमॉन, मोइन खान कहता था कमॉन सक्की कमॉन। टू इज अ कंपनी, थ्री इज अ क्राउड, और एंड फोर इज अ लाउड, फोर इज अ लाउड एंड फाइव इज अ शाउट, शाउट इज गैंग बैंग, और अदर वन आउट। अच्छा ये आउट की आपने बात की ना, ये कैप पहन के आप एम्पायर लग रहे हैं, पता एम्पायर लग रहा है, मैं एम्पायर लग रहा हूं, फिर मैं गलत उंगली से आउट दे दूंगा। और फिर मैं पूरा हाथ से नौ दे दूंगा यार, ये हाथ से नौ दे देंगे। यार ये बात बताइए, ये क्रिकेट इतनी डेवलप हो गए, नए नए रूल आ गए यार, ये इशारे भी चेंज होने चाहिए। अरे हाँ यार, ये जो आउट होने वाली उंगली है ना, ये चेंज करनी चाहिए, कोई और सी उंगली उठाए ताकि बैट्समैन को एहसास हो कि अब आउट नहीं होना। और ये जो नौ देने वाले, नौ ऐसे यूं करके देते ना, यूं देना चाहिए ताकि ये बॉल थी नहीं। हाँ ये बोल नहीं फेंकी आप, और उसका
क्या होना चाहिए? थर्ड अंपायर है, थर्ड अंपायर तीसरा बंदा, थर्ड अंपायर का, थर्ड अंपायर का नहीं, थर्ड अंपायर का जो आप इशारे करते हैं। अच्छा ये मैंने मैच में देखा, ये लेग अंपायर जो ऐसे ही फारिक खड़ा होता है, बॉल पकड़ के दे दे, ये ले पकड़ ले। अक्सर लग भी जाती है उसको बॉल, बचता भी यूं बचता है भाई, वो बच रहा होता है, अंपायरों का डांस है। कह रहा यार मैं इस बॉल से बचूं, अपनी बॉलों से बचूं, यूं यूं इधर घूम रहा होता है। अच्छा रोज मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि आप सवाल के जवाब बहुत अच्छी देते हैं। अरे भाई डॉक्टर को जवाब दे देती है। हाँ, हालांकि डॉक्टर जवाब देता है। हाँ अच्छा ये बताएं कि आप रमजान में, क्योंकि देखिए एक वो हमारी लिमिटेशन है, वी आर मुस्लिम, हमारी एक लिमिटेशन है, तो आप रमजान में एंटरटेनमेंट के लिए क्या करती हैं? वीडियो गेम्स खेलती हैं या फिर बुक्स पढ़ती हैं, क्या करती हैं रमजान में एंटरटेनमेंट के लिए? रमजान में तो हलाल एंटरटेनमेंट के लिए क्या करती हैं? आई एम वर्किंग, तो मैं तो घर पे हूं ही नहीं। मेरी एंटरटेनमेंट यह है कि इफ्तारी के बाद मैंने मेरी ड्यूटी बर्तन धोना होती है। ओए मेरी बच्ची घर का सारा काम करती है, मेरी बच्ची। अच्छा और ये वाह वाह ड्यूटी है। और ये बात, अच्छा ये बात भी कहते हैं लड़कियां जो सहरी और इफ्तारी में घर वालों के लिए खाना बनाती है और उससे जो उनको सवाब मिलता है, वो बर्तन धोने से जो बड़बड़ करती है उससे सारा सवाब जाया जाता है। यार लिटरली मुझे लगता है जैसे बर्तन बच्चे दे रहे हैं, मतलब खत्म ही नहीं हो रहे होते। और सारे बर्तन धोने के बाद, क्योंकि मैं तो शादीशुदा आदमी हूँ, सारे बर्तन धोने के बाद आप मुड़ के देखो एक पतीली होती है, चाय के कप पड़े हुए क्यों भाई। अच्छा ये एक बात बताएं, पकौड़े आप तलती हैं? यस बड़ी भाई घरेलू, शी इज अ वुमन, बैचलर वुमन, माय गॉड। फ्रूट पकौड़े कौन से पसंद है? आलू के? अच्छा मैं तो, मुझे तो वैसे फ्रूट्स नहीं अच्छे लगते, तो मैं नहीं फ्रूट्स वगैरह, मैं फ्रूट ब्रादरी से दूर हूँ। ठीक है, हाँ मुझे फ्रूट नहीं अच्छे लगते हैं। कोई ला कर दे दे तो अच्छे लगते, फ्री के अच्छे लगते होंगे तुझे? नहीं नहीं मैं फ्रूट्स खाती नहीं हूँ, लेकिन मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, काले चने उसके अंदर प्याज डाल के। आज मैंने यही कहा, उसके अंदर काले चने के अंदर स्कूटर भी निकलती कभी कभी। काले चने जो चाट मिलती है उसके अंदर प्याज और फिर उसके अंदर आलू, आलू लेकिन अजीब लगता है मुझे, लेकिन ये मुझे अजीब लगता है। लेकिन चाट की बात करें ना, मुझे अजीब लगता है, कोई कहता ना हाँ चाट ले, ये मुझे अजीब लगता है। चाट ले, हाँ, भाई, चाट ये बुरा लगता है। चना चाट, पूरा चाट, चना चाट खा। अच्छा ये एक लड़की, आज तुम तो घर के सारे काम करती हो, लेकिन कुछ लड़कियों का प्रॉब्लम, उनसे घर के काम को पूछो ना, वैसे काम करती हूँ, वो कहती है मौत की भी कई किस्में होती है, जितना बड़ा काम बताया जाए मौत भी उतनी ही बड़ी पड़ती है। हाँ लेकिन कुछ काम से मुझे भी मौत पड़ती है। आटा कौन सा काम? नहीं आटा गूंदना वगैरह नहीं, किचन के कोई काम से नहीं, लेकिन जैसे हो गया कि कुछ कपड़े फोल्ड करना, कपड़े प्रेस कपड़े करना, ये मुझे अच्छे लगते। कपड़े फोल्ड नहीं करती है, कपड़े सीधे करती है। मासी नहीं है? है लेकिन वो इफ्तारी से पहले चली जाती है। क्यों इफ्तारी सारा काम इफ्तारी से पहले करा लिया? इफ्तारी से पहले नहीं तो कैसे, इफ्तारी के बाद तो बर्तन आएंगे ना। यार ये खवातीन का, पहले मैं और आपको डिनर, और वो 24 घंटे थोड़ी है, वो तो शाम को चली जाती है, डिनर के बाद भी बर्तन होते हैं। यार मैं आपको एक बात बताऊं, अक्सर घरों में ऐसा होता है, उसमें भाई पुराने घरों में ऐसा नहीं होता था, अक्सर घर में ऐसा होता है कि आप किचन जाओ ना, रात को बर्तन भरे पड़े हुए, वो गलत है। आप मासी धोएगी आगे, उसने रात को ना, रात को बर्तन धो देने चाहिए, वो गलत है, पड़े नहीं रहने चाहिए, वो गलत है। रात को सुना है? अच्छा हमारी तो बड़े कचरा नहीं होना चाहिए घर में, बर्तन नहीं होने चाहिए हमारे बड़े बुजुर्ग, कहते थे कि बरकत नहीं आता घर घर में अगर बर्तन पड़े हुए होते, कि बर्तन रात भर बददुआएं देते हैं। हाँ बर्तन गंदे हो तो नहीं करना, धो के सोया करो। ये बर्तन कैसे बद्दू देते होंगे, मतलब कप कैसे देता होगा, उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है, फ्राई पैन कैसे देता है? नहीं यार देखिए ये जो मिथ है आप उसमें तो बिलीव करते होंगे कि अगर कोई चप्पल उल्टा पड़ा हुआ हो तो घर वो मम्मी कहते सीधा कर दो वो फटा हो जाएगा, तो ये आप बिलीव करते हो? चप्पल सीधा करेंगे चलानी चाहिए, बताओ ये चीजें सच है या नहीं? वो कहते ना कैंची मत चलाओ, कैंची मत चलाओ कटिया आएगा। नाई गया तो फिर रोजाना लड़ाई होती रहती होगी, चिमटा नहीं बजाओ फटा हो जाएगा। आरिफ लोहारी से मशहूर है। हाँ बताओ क्या बात है, मतलब आधी चीजें तो ये थोड़ी सी दकियानूसी टाइप है, ये अपनी बनाई हुई बात, अपनी बनाई हुई। वो जो एक वो केले आते हैं आपने देखे होंगे, जुड़वा केले आते हैं, बड़ी यार वो नहीं खाओ, कहते वो अच्छा? तुम्हारे जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। तो ये तो अच्छी बात है, मैंने कहा उसको खिला दो जिसकी औलाद नहीं हो रही। हाँ देखो यार है ना, और पतीली में नहीं खाना, बारिश हो जाएगी। हाँ तुम्हारी शादी में बारिश होगी, बारिश नहीं होगी खारिश होगी, तुम्हारी शादी में बारिश होगी। अगर आप पतीली होते हैं तपीला होता है, पतीला होता है, तो तपीला नहीं होता, वो आपकी मर्जी है, आप तोतलाए। अच्छा एक बात बताओ, रोज कहते हैं सारा जग बेवफा होता है, हाँ। तो ये बताओ जग ही बेवफा क्यों होता है, ग्लास बेवफा क्यों नहीं होता? सवाल है वैसे, सवाल है आपको बिल्कुल, ये तो वही बात हो गई कि सारी दुनिया कहती है
हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे साथ धोखा हुआ, वो गाना तो भी है ना, तो पूरी दुनिया के साथ अगर धोखा हुआ तो फिर वो सच्चे कौन है। वो गाना भी है ना, जग सूना सूना लगे, जग सूना सूना उसके साथ गिलास रख दे, सूना लग रहा था। हाँ बिल्कुल। ये मोहब्बत की बात चल रही है, रिलेशनशिप के हवाले से बात चल रही, तो एक बात कहना चाहता हूँ जिस पर मैं खुद अमल करता हूँ। कहते हैं कि जिंदगी भर एक दूसरे का दोस्त बने रहना चंद रोज के आशिक होने से बेहतर है। क्या ये बात सच है, कहते हैं कि औरत का पसंदीदा मर्द हमेशा कंगाल होता है? हाँ, और मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि मर्द अपनी पसंदीदा औरत को अपनी गलतियों से ही खोता है। हाय 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 हाय। अच्छा एक बात, एक सवाल और है, ये बताएं ये लड़कियां जो हैं ये बाप की गरीबी बर्दाश्त कर लेती हैं, शौहर की क्यों नहीं करती? बताओ, जवाब दो। तुम कहते हैं ना सवाल नहीं पूछते, अब पूछो, अब बताओ। अच्छा ये आप ये देखिए, लड़की का जो बाप होता है वो सारी सहूलतें कितने साल की उम्र में देता है लड़की को? तकरीबन 45 साल की उम्र में। हाँ। जब बेचारा बूढ़ा हो जाता है, अब ये 23 साल का लड़का कैसे देगा यार ये सहूलतें? 23 साल का लड़का आसरा देगा, इसे आसरा ही देगा। कुछ तो मैं मतलब कुछ लड़कियां तो फजूल में, जब आप देख रहे हो कि वो इतना नहीं कर सकता तो वो अगले को बुरा, उसके दिल में उसको नीचा दिखाने वाली बात है, वो जानबूझ के करती है। नहीं नहीं, नीचे तो नहीं दिखाओ भाई। पहले अभी मैं आपको बताऊं, एक फेमस टिकटॉकर हैं, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, उनकी बड़ी खुशहाल जिंदगी चल रही थी, अचानक वो टिकटॉक लाइव पे बैठी और एक गिफ्टर आया उनको सेंडिंग की, और अब उस गिफ्टर से उसकी शादी हो गई। शादीशुदा थी पहले से, मियां छोड़ के, शादीशुदा थी और दो बच्चे भी थे। अब मीडिया ये कह रहा है कि यार ये गलत किया, लेकिन अंदर की स्टोरी तो वही जानती है क्या है क्या नहीं है। लेकिन अब मैं आपको बताऊं खतरनाक बात क्या हुई है, खतरनाक बात ये हुई है कि अब उसके फॉलोअर्स नीचे आ रहे हैं। हाँ, तो वो खुद नीचे आ गई ना, 9 लाख, मतलब अपने सोच से नीचे आ गई। हाय हाय हाय, ये पता नहीं अंदर की बात क्या होगी, ये तो हमें पता नहीं है, तुम ऐसा नहीं करना। अच्छा रोज एक सवाल है, आप लोगों से भी सवाल है, क्या ये बात सच है कि शादी के बाद जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे मर्द तन्हा होता जाता है और दूसरी औरत की जरूरत महसूस करता है? वाह 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 वाह। और आपने, मैं आपको एक और बात बताऊं, ये बात भी है, औरत कहती है कि यार क्या हम रोज रोटियां बनाएं, मैं साथ हूं, हम रोज कपड़े धोएं, हमारा दिल नहीं करता, हमारा दिल नहीं है। तो मैं कहता हूँ यार फिर चार करवा दो ना, आपका दिल नहीं कर रहा उससे करवाओ, ये क्या बात, आपका दिल नहीं कर रहा उससे करवाओ, ये ऐसा नहीं हो सकता। चार शादियां औरत की, अबे मर्द की भाई क्या होगा ये तो अब अपना सपना सजा लो चक्कर में। नहीं नहीं, मैं मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। हाँ, नहीं, तो ये आप कह रहे हो कि चार शादियां होनी चाहिए। हाँ, एक भी काम करके थकनी चाहिए, तो वो ही क्यों सारा काम करे, मर्द क्यों नहीं उसकी हेल्प कर रहा? अबे मर्द सुबह का गया हुआ, रात में आ रहा, क्या काम करे, वो काम करे, घर का काम करे या वो दूसरा काम करे। ये कुत्ते का बच्चा 7 बजे किक मारता मोटरसाइकिल पे, पूरे शहर की धूल छाटता है, 6 बजे ट्रैफिक जाम, कुत्ते की तरह 6 बजे निकला, 8 बजे पहुंच रहा है। ओके, निढाल हुआ, निढाल हुआ, चड्डा पहन के सो गया, अब क्या करे, काम कब करे घर का, ये बताओ। नहीं अब ये वो तो बेचारा घर आके कोई भी काम नहीं कर सकता। लेकिन देखिए, हाउस वर्क ना फुल टाइम जॉब है, 24 आवर्स का काम है ये हाउस वर्क। आप अपनी वाइफ से भी पूछें, वो आपको बताएंगी। लेकिन संडे तो बनता है ना, कि आप बोलें कि बैठो मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट दूं, आज मैं बर्तन धो, आज मैं इफ्तारी बनाऊं, आज मैं फ्रूट चाट, यू नो, हेल्प करना चाहिए शौहरों को, ये करना चाहिए। सही बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, थोड़ी बहुत हेल्प, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो करता है, ये तो नहीं हम भी करते हैं, लगा करता है। मेरी तो कजन से शादी हुई, मैं सबसे तारुफ, तो आप तो हेल्प करते होंगे किचन में। मेरी तो मेरी अपनी कजन से शादी हुई ना, पहले मैं सबसे तारुफ कराता था कि मेरा इससे ब्लड का रिश्ता है, अब मैं सबसे तारुफ कराता हूँ मेरा इससे ब्लड प्रेशर का रिश्ता है। लेकिन रिश्ता तो है ना भाई, मैं तो हाथ बढ़ाता हूँ, मैं सीधी बात, हाथ बढ़ाना चाहिए। अच्छा मैं सीरियस वे में बात कर, हमें तो पहले से आदत थी, क्योंकि हमारी कोई बहन नहीं थी, सारे भाई थे, तो हम घर के सारे काम करते थे, तो अभी भी आदत है, अब करते, अब मजबूरी में करते हैं, पहले भी मजबूरी। नहीं, एंड आई थिंक कुछ शर्म की बात नहीं है, जैसे कुछ कुछ मर्दों की वो ईगो पे बात आ जाती है ना, आई थिंक वो बहुत ही हेल्थी रिलेशनशिप होती है जिसमें आप दोनों मिल बांट के घर मिल बांट के, हाँ मिल बांट के ही तो होता है, बांट गए, अकेले का काम ही नहीं, अकेले तो शादी से पहले फिर कर ले आदमी। इस जुमले में क्या गलत है कि बीवी ने बर्तन धोते हुए शौहर को आवाज दी, बताएं। बीवी ने बर्तन धोते हुए शौहर को आवाज दी, ऐसे बर्तन कौन धो रहा है? अच्छा यार देखे, मैं यार मेरा शौहर होगा ना, मैं तो उसको बोलूंगी चलो हेल्प करो। अच्छा मैं नहीं करूंगा हेल्प तुम्हारी, तो उस वक्त मैं कहूंगा आप
मेरा शौहर तो हेल्प करेगा, करेगा ना, तो मैं इसी बात पे अर्ज किया है, शेर याद आ गया मुझे कि मेरे हाथ में फूल है, आप समझे, इमेजिन करें कि मेरे हाथ में फूल है कोई असलहा तो नहीं, मेरे हाथ में फूल है कोई असलहा तो नहीं, मेरे हाथ में फूल है कोई असलहा तो नहीं, ईद के बाद तुमसे निकाह कर लूं कोई मसला तो नहीं। आजकल तो एक के बाद दूसरा तैयार है। आप देखें बिल्कुल, हम लोग यहाँ पे इतनी कॉमेडी कर रहे हैं, इतने जोक्स कर रहे हैं, लेकिन वायरल क्या हो रहा है आजकल? बुखार, बुखार, हर एक बंदे का गला खराब है। हाँ, वायरल चल रहा है, वायरल चल रहा है, सही बात है यार। आप ये देखो, एक तल्ख हकीकत बयान करने जा रहा हूँ, आप ये देखो, अमीर आदमी के चेहरे पर लाली पैसे होने की वजह से आती है, और गरीब आदमी के चेहरे पर लाली नजला और बुखार होने की वजह से आती है। अच्छा रोज मेरा एक सवाल है, जो भी गेस्ट आता है मैं पूछता हूँ उससे ना, अगर आपके हाथ में शकलका बूम बूम वाली पेंसिल आ गई, अगर आपके हाथ में शकलका बूम बूम वाली पेंसिल आ गई तो क्या बनाएंगी? अच्छा, उस पेंसिल की खासियत ये है कि जो बनाओ असली हो जाता था, आप क्या बनाएंगी? अच्छा, ये कोई पेंसिल है? वाकई में पहली दफा सुन रही हूँ। शकलका बूम बूम सर्च करना भाई। अच्छा, मैं हाँ, जो अच्छा, बनाओ तो जो आप ड्रॉ करोगे वो असली हो जाएगा, असली हो जाएगा, मतलब वो लाइफ, रियल लाइफ हो जाएगा, असली हो जाएगा। क्या बनाओगी? रोनाल्डो बना दोगी फुटबॉलर? क्या बनाओगी? नहीं नहीं, मैं क्यों, मुझे रोनाल्डो वैसे भी वो वाला इस तरीके से पसंद नहीं है। किस तरीके से पसंद है? मतलब जैसे वो बुरी नीयत से पसंद नहीं है, लाइक हिम एज अ प्लेयर। हाँ, मैं पता है क्या बनाऊंगी, मैं एक बैंक बनाऊंगी कि वो बैंक मेरा हो जाए। फिर बैंक बनाएगी, डायरेक्ट पैसे बना दो। तो कितने पैसे बनाओ बैंक में? क्या बात की तुमने, सही कह रहे हो, बैंक बनाओगी, फिर एम्प्लॉय रखोगी, फिर लोग अकाउंट खोलेंगे, फिर पैसे आएंगे, फिर निकालोगी। यार अच्छा, डायरेक्ट पैसे बनाओ यार। नहीं, फिर तो मैंने वो गोल्ड की ब्रिक्स बनानी है ना। हाय, तो चलो चलो इसी बात पे, आज तुम्हारी आंखें बड़ी सूजी सूजी सी लग रही है। हाय, किसने सुझाई? सोई सोई सी लग रही है। हाँ, तो इसी बात पे मैंने अर्थ किया कि ये जो वीरान सी आंखें हैं तेरी, ये जो वीरान सी आंखें हैं तेरी, ये जो वीरान सी आंखें हैं तेरी, मैं बहुत पहले यहीं रहता था। वाह, क्या डीप है, क्या डीप है, क्या डीप है। प्लीज एंजॉय कीजिएगा। देखा उन्होंने जब अपनी तिरछी नजर से तो हम मदहोश हो गए, देखा उन्होंने जब अपनी तिरछी नजर से तो हम मदहोश हो गए, देखा उन्होंने जब अपनी तिरछी नजर से तो हम मदहोश हो गए, जब पता चला कि नजर ही तिरछी है तो हम बेहोश हो गए। भाई वाह 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 वाह, इसी बात पे अर्ज किया है कि उसने आंचल से निकाली मेरी गुमशुदा किताब, उसने आंचल से निकाली मेरी गुमशुदा किताब, उसने आंचल से निकाली मेरी गुमशुदा किताब, और चुपके से मोहब्बत का सफा मोड़ दिया। उसने आंचल से निकाली मेरी गुमशुदा किताब और चुपके से मोहब्बत का सफा मोड़ दिया, हमें मालूम था अंजाम मोहब्बत मोहसिन, हमने आखिरी हर्फ से पहले ही कलम तोड़ दिया। वाह वाह, नाइस किया, अर्ज किया है, तुम मेरे हो मुझको यकीन था, तुम मेले हो मेले हो वाकई हो, तुम मेरे हो मुझको यकीन था, तुम मेरे हो मुझको यकीन था, झूठ था मगर कितना हसीन था। फाइनली मुझे स्पेस मिल। अच्छा चलें चलें। जुबान कड़वी ही सही मगर दिल साफ रखता हूँ, जुबान कड़वी ही सही मगर दिल साफ रख, मैं पैसों का हिसाब रखता हूँ। कौन कब कहाँ बदल गया सबका हिसाब रख। वाह, कि जिस खास के लिए आप खास नहीं, जिस खास के लिए आप खास नहीं, जिस खास के लिए आप खास नहीं, उसे आम कीजिए और किस्सा तमाम कीजिए। हाय हाय हाय, ये ये जो आपने बात की ना, ये पता है, ये अक्सर शादी होती है, नई नई मियां जुल्म करते हैं, बंद कर देते कमरे में और उसकी चीखों की आवाज बाहर तक आती है, कि चीखों की आवाज, फायदा नहीं, कोई फायदा, रोने की आवाज बाहर तक आ रही है। नहीं अच्छा, इस शेर में शोहर बाहर है, ये शोहर बाहर है। वाह वाह भाई, आप सुनाएं गुलाबो, अब आप सुनाएं गुलाबो। अर्ज करती है,
अगर मिलती मुझे एक दिन की बादशाही, अगर मिलती मुझे एक दिन की बादशाही, मेरी रियासत में तुम्हारी तस्वीर के सिक्के चलते। वाहो, मेरी रियासत में तुम्हारी तस्वीर के सिक्के चलते और फिक्के सिक्के चलते। इस शाही को आप थोड़ा और नोट भी चलवा सकती है, लेकिन बादशाही है तो फिर हम तो फिर जहाँ पना हो। और इसका जो बादशाह है ना, ये वो बादशाह है जिसकी अपने ही दरबार में 7 बार तलाशी ली जाती है। के भाई डोर कम पड़ रही है, डोर कम पड़ रही है, डोर कम पड़ रही है, मुझे तेरे घर तक पतंग उड़ानी है। ये डोरी कम पड़ रही है ना, वाह पता नहीं क्या, जो भी यार, पहले तो पतंग में बांध के वहीं ढा देते थे ना। आई हाई हाई हाई, वादों की तरह इश्क भी आधा रहा, वादों की तरह इश्क भी आधा रहा, मुलाकातें कम रही, इंतजार ज्यादा रहा। बंदा आता था पूरा आधा रहा, बंदा आता रहा और जाता रहा, बंदा आता रहा और जाता रहा। कि ना किसी की कसम ना किसी का वास्ता, ना किसी की कसम ना किसी का वास्ता, ना किसी की कसम ना किसी का वास्ता, गोली मारो मोहब्बत को, चलो करते हैं नाश्ता। भाई कि चांद आसमान का हो या जमीन का नुसरत, चांद आसमान का हो या जमीन का हो नुसरत, चांद आसमान का हो या जमीन का नुसरत, कौन बाज आता है उंगलियां उठाने से। कौन बाज आता है उंगलियां उठाने से। अच्छा ड्रामों में मैंने देखा, ये ड्रामों में ना एक जुमला होता है, ये वाला ड्रामों में क्या जुमला होता है मैंने बहुत ड्रामों में देखा है। लड़का लड़का लड़की से कह रहा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, लड़की कहे उंगली नीचे करके बात करो, उंगली मत दिखाओ मुझे। हाँ, बुरा लगता है यार। और अगर हो सकता है उन्हें अच्छा लगता है जो बोलते हैं। हाँ अच्छा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और लड़की क्या कहती है उंगली नीचे करके बात करो। हाँ यार ये इस तरह के ड्रामे बैन होने चाहिए, बैन होने चाहिए। क्यों? तो ड्रामों में ये भी देखा लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल की, सुनो मेरे घर कोई नहीं है आ जाओ ना, लड़का अगर अबे मरवाओगी क्या है? मरवाओगी कोई आना जाए भाई, कोई आने, लेकिन जुमलों में कितनी डेप्थ है। यूं तो लफ्जों की कोई कीमत नहीं होती, यूं तो लफ्जों की कोई कीमत नहीं होती, पर अक्सर लोगों का सुकून खरीद लेते हैं। लफ्जों से याद आया कि भाई लफ्जों में भी जहर होता है। बिल्कुल, लफ्जों में भी जहर होता है, बोलने से पहले चक तो लिया करो। तुम्हारी मैं बीसी खा जाऊं। वाह 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 वाह, बीसी डालती हो? कमिटी कमिटी कहते हैं ना उसको, जो कितने रुपए की डाली सच्ची बताना। 3 लाख। अल्लाह रहम कर, किसके थे वो? मेरे अपने थे। क्या ये इसके अपने थे? मतलब भाई आपने कितनी कमेटी कमेटी डाली? मैंने कमेटी नहीं डाली, मैंने जिंदगी में एक ही दफा डाली तो बंदा ही भाग गया। हां मैंने अच्छा एक बहुत ही मशहूर, मैंने उसे तड़ी लगाई, मैंने कहा देख तो वॉल चॉकिंग करवा दूंगा बच्चों को 200 रुपए देके, दूसरे दिन घर पे देके। एक बहुत ही मशहूर टीवी पर्सनालिटी है, उन्होंने भी काफी एक्टर्स की कमेटी डाली और मतलब लाइक ऑलमोस्ट करोड़ के पैसे ना लेके वो भाग गए और वो बहुत ही मशहूर रहे। ऑफ ईयर बताना मुझे प्लीज। हाँ प्लीज। हो रही है भाई कहीं हमने डाल दो उसके बाद कमेटी, एक मतलब वो कमेटी? बिल्कुल हाँ बिल्कुल, उनके ज्वेलरी और ऐसे मतलब जितने भी हाई फाई दोस्त थे, जैसे मैं कोई चीज उधार कर लूँ यू नो फीमेल्स में तो चलता है, फिर वो गायब हो गई। अच्छा नहीं लेकिन मैंने देखा करोड़ों की कमेटी थी भाई, जो मेन बंदा होता है ना जो कहता है आओ यार अहमद कमेटी डालते हैं, आओ रोज कमेटी डालते हैं, वो कहता है पहली मैं लूंगा। हाँ ये होता है, शर्त होती है कमेटी जात कैसे हुई है, मुझे पैसों की जरूरत है। हाँ चलो भाई कमेटी डाल, कमेटी डालते हैं पहली मैं लूंगा, पहली अपनी देता रहूंगा आहिस्ता आहिस्ता, वो पहली के बाद वाली भी खा जाता मनोज। जो कमिटियां मैंने डाली है, एक वो बड़ी वाली डाली और वो 2-3 छोटी, आपने छोटी डाली हुई खुद ही बड़ी हो गई होगी। नहीं नहीं अभी कमेटी डाल ली तो कौन से स्कूल में पढ़ती हो कमेटी? एक काम करो हमारी कमेटी डालो, अब जो नहीं बनेगी ना मैं तुम लोगों को पूछूंगी। 1000 रुपए महीना सही है? हाँ नहीं नहीं जो सबसे छोटी है ना, तो तू दे रहा है सबसे छोटी वाली है ना वो 6000 महीना, सबसे छोटी महीना। कितने साल में खुलेगी? 9 महीने में। अरे यार वो तो खुद ही खुल जाएगी। कम से कम 1 साल की होती है। 1 साल की होती है। अच्छा इसी बात पे शेयर्स करने जा रहा हूँ और इस शो का मैं मूड बदलना चाह रहा हूँ कि 2 कौड़ी का इश्क और मतलब का याराना, 2 कौड़ी का इश्क और मतलब का याराना, 2 कौड़ी का इश्क और मतलब का याराना, जिसको भी देखो साला पैसों का दीवाना। ओए होए होए होए, मैं भी एक शेर अर्ज करना चाहूंगी। निकले हैं वो मेरी शख्सियत तराशने, निकले हैं वो मेरी शख्सियत तराश ने, जिनके खुद के किरदार मरम्मत मांग रहे हैं। हाय हाय हाय, ये डाकू को पता चल गया ना इतनी सारी चीजें, 2 मिनट में मोबाइल चोरी होगा इसका। वाह वाह वाह, कि भाई मोहब्बत अल्लाह से हो तो सुकून देती है,
मोहब्बत वाह अल्लाह से हो तो सुकून देती है। क्या बात, ना फिक्र जुदाई का ना खतरा बेवफाई। वाह 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 वाह। और एक बात कहना चाहता हूँ मैं, ये बेवफाई की आपने बात की, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कहते हैं कि बेहतरीन इश्क वही होता है जिसमें औरत बीवी और मर्द शौहर बन जाता है। कोशिशें बदल देती है नसीब अक्सर। बदल देती है नसीब अक्सर। शर्त ये है कि मेरी जिंदगी में आएगा नदीम बॉक्सर। कोशिशें बदल देती है नसीब अक्सर। मुकर्रर। कोशिशें बदल देती है नसीब अक्सर। शर्त ये है कि जस्तजू में वफादारी हो। जस्तजू में वफादारी हो। वाह वाह बकायदा आपने। आप ये देखो यार सिचुएशन क्या हो गई, कितनी डीप बात चली। इसी डीप बात को मैं कंटिन्यू करूंगा। आप यार देखो यार, आप लोग मेरी इस बात से इत्तफाक करोगे, जीने की वजह कोई नहीं पूछता। कहते हैं जीने की वजह कोई नहीं पूछता, लेकिन मरने के बाद सभी पूछते हैं, हाय हाय कैसे मर गया। हाय हाय बिल्कुल बहुत अच्छी बात की यार। और आपने नोट किया कि जिंदा इंसान को उतने फूल नहीं मिलते जितना मरे हुए इंसान को मिलते हैं। तो जब आप वो इंसान जब जिंदा था तब आप उसको तब फूल नहीं दिया, तब उसको गुलदस्ता गुलदान उठा के मार दिया। जब वो नहीं रहा तो जाके उसकी कब्र में फूल दे रहे हैं। इसी बात में मुझे बड़ी अच्छी बात याद आ गई कि किसी पे दूसरी बार एतवार करना ऐसा है जैसे आप उसे बंदूक थमा कर कह रहे हो कि गोली दोबारा मार, पहली बार मिस हो गई। ये एक सेकंड, ये फूल की बात तुम क्या कर रही हो? फूल की बात तो हमें करनी चाहिए। हाँ। फूल नहीं मिलते तुम्हें, 14 फरवरी को फूल नहीं मिलता है? नहीं मुझे तो नहीं मिले। ये अब इतना ना कर बेटा, ना कर मे, आई प्रॉमिस मुझे नहीं मिले। क्या हो गया लड़को, रोज को कोई फूल नहीं दे रहा। मैं काम के मुजाहिद हो तुम, पाकिस्तान का मुस्तकबिल कहां लेके जा रहे हो? अरे मेरे फूल जैसे बच्चों, सिंगल लोग यही रोले होते हैं। नहीं सिंगल ना 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 करें प्लीज। आप तो बिस्तर के दोनों कोनों से इजीली उतर रहे हैं, इसका मतलब और क्या क्या ये सुसाइड वाला भरो। मतलब मेरे जितने भी दोस्त हैं जिन सबकी शादियां हो गई है, बच्चे हो गए, लेकिन मतलब ये है कि सबकी, तुम्हारी जितने भी दोस्त हैं सबकी शादी, बच्चे हो गए, बच्चे हो गए, तुम्हारे क्यों बच्चे नहीं हो रहे? तुम्हारी क्यों शादी, मतलब शादी हो, तुम्हारी क्यों शादी नहीं हो रही? क्या बदतमीजी है यार। हालांकि सही बात, हाँ तुम उनको उनको जलाओ। देखो शादी नहीं भी बच्चे हो गए, रोज सही कह रहे हैं, जलाओ। देखो शादी नहीं भी लेकिन बच्चे हो गए, चलो आओ कर सकते हो। वो तो भाई तब जाएंगे यार, शादी कर दी खर्चा कर लिया। मतलब ये है कि बच्चे गोद ले लो, बच्चे गोद ले लो, और वो भी लो जो 30 साल के हो। हाँ बच्चे गोद ले लो, तो इसे गोद ले। I am single by choice. Oh, it's my choice. It's Bata by choice. मैं single नहीं हूँ, मतलब आई एम सिंगल, खुशी से सिंगल। हाँ अच्छा, मेरी तरह खुशी से हम लोग सिंगल है। हम लोग जब चाहे एक दूसरे को फोन करके डबल हो जाते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम? नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम। आप अपना शो करें। कि आप एक मतलब क्या फायदा एक टॉक्सिक पार्टनर रखने का? हाँ मतलब अच्छा आप सिंगल ही से। हाँ यो कहाँ जा रही हो, बता के क्यों नहीं गई, बता के क्यों नहीं आई? ये को टाइम है, ये को टाइम है, ये तो सोने का टाइम है और तुम जाग रही हो। हाँ हा? और ये देखे ये लड़की ना ये नॉवल पढ़ती है भाई। अरे एक बार तो ये नफ्सियत की किताब पढ़ रही थी, किताब पढ़ते पढ़ते उसे बंद कर दी। मैंने बोला क्यों? कि आधी से ज्यादा निशानियां तो मुझ में ही है। बड़ी अच्छी बात है। आप ये बताइए किस तरह की नॉवल पढ़ती है? हाँ जिसमें दो एक होते हैं जो हाथ पकड़ के दूर जा रहे हैं। एक बात बताइए ये रोमांटिक नॉवल भी होते हैं? तो माहौल बनता है। मैं तो जब तक देखू ना, मैं तो जब तक सुनू ना किसी से यार उन दोनों की शादी हुई। यार पढ़ने का अपना मजा है, देखने का अपना मजा है। कमरे से जो आवाज आ रही थी ने मुझे जगमग सितारों की तरह जगा दिया। बहुत से दोस्त हमारे कहते हैं यार अबे पढ़ने वढ़ने का कुछ नहीं है, बस देखने में मजा आता है। मतलब फिल्म देखने में मजा आता है, फिल्म पढ़ने में मजा थोड़ी आता है। अच्छा एक सेकंड रोमांटिक। अच्छा मैंने बिकॉज जिन लोगों को बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, लाइक स्पीकिंग फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने जो बुक पढ़ी और फिर बाद में मूवी देखी तो मुझे बुक ज्यादा बेहतर लगी। बुक ज्यादा बेहतर लगी, जैसे द फॉल्ट इन आवर स्टार्स। क्योंकि मूवी के ना कोई आ गया, किताब पढ़ते पढ़ते आ भी गया तो आपने पढ़ ली हो, आपने आप पलट लिया। मैंने जो रोमांटिक बुक पढ़ी थी क्योंकि मूवी देखते हो याद है ना, रिमोट नहीं काम कर रहा। और ऐसा होता है मूवी जब देखो उस वक्त रिमोट अटक जाता है, सेल मारो क्या हो गया। और रहने तो बेटा मैं भी देख रहा हूँ। ये भी होता है। अच्छा हाँ क्या कॉपी की, क्या कॉपी का पन्ना? कौन सा नॉवल, कौन सा नॉवल? द फॉल्ट इन आवर स्टार्स, द फर्स्ट नाइट इन द हाफ नाइट। यार कुछ और बोला उसने। हाँ क्या है फर्स्ट नाइट, क्या फर्स्ट नाइट इज अ वेरी द फॉल्ट इन आवर स्टार्स। ओह बड़ी फाइव स्टार जो इसने कहा, क्या कहा आपने?
मतलब हमारे सितारों में खराबी उन दोनों की लाहासिल मोहब्बत है, वो अपना बिजी था, वो अपनी बिजी थी, वो मिल नहीं पाते। ये किससे रेलेवेंट है, किस टॉपिक से? ये द फॉल्ट इन आवर स्टार्स, इस पे एक इंडियन मूवी भी बनी है, लाइक उन लोगों ने राइट्स, मैं इसका नाम भूल गई, मैं तुम्हें बताती हूँ, उन लोगों ने राइट्स खरीदे थे। बेसिकली वो पेशेंट्स के बारे में, कैंसर पेशेंट्स है दोनों, लड़का लड़की, लेकिन थ्रू आउट द होल मूवी आपको ऐसा लगता है कि लड़की मर जाएगी क्योंकि लड़का रिकवर हो चुका होता है। लेकिन अब मैं स्पॉइलर दे दूं सबको, लेकिन एंड में ये होता है कि वो बेचारा लड़का मर जाता है और लड़की रिकवर हो जाती है। इसलिए द फॉल्ट मतलब हमारे सितारों का, सितारों की खराबी, खराबी यानी मिलते नहीं सितारे आपस में, मिलते नहीं है। इसका वर्जन अभी बॉलीवुड में भी बनाया गया, बॉलीवुड में बन चुका है, उसकी ओरिजिनल बुक है, फिर एक हॉलीवुड में मूवी बनी है और बॉलीवुड का भी वर्जन आ गया। वर्जन आ गया, नहीं भाई कोई वर्जन, वर्जन आप कोई वर्जन रहा ही नहीं है, सर्जन है सर्जन। अब जो नए वर्जन आ रहे ना वो हिट नहीं हो रहे, जो पुरानी फिल्मों थी ना वो हिट नहीं, जैसा हेरा फेरी जो वन आई थी उसका जो वही वाला वर्जन चला था। अच्छा, इसका मतलब लड़कियां ज्यादा अच्छी रिकवरी करती है, लड़की कैंसर फ्री हो जाती है। अच्छा, लड़के का अगर जाया हो जाए बात, तो रिकवर कैसे करे? क्या जाया हो जाए? नहीं मतलब ये डेटा, डेटा निकल जाए मोबाइल से, डेटा निकल गया, ऐसा होता है ना, सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर उसका पैकेज नहीं हुआ, वो हार्डवेयर हो गया, तो फिर वो अपना फोन लेके जाओ कोई भी मोबाइल शॉप पे, वो आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो यार ये। अच्छा, रोज तुम कभी किसी ने मोबाइल छीनने की कोशिश की? नहीं प्लीज ऐसी बातें मत करे, आज मैं आ रही थी, नहीं आज मैं आ रही थी और वो गाड़ी खराब हो गई और वो जान करके कितनी डर लग रहा था, वो अंधेरी रात मैं कॉल कर रही थी, बारिश हो रही थी ना और बिजली चमक रही थी, नहीं ऐसा कुछ भी। ड्राइवर, अच्छा ड्राइवर ने जान करके तो नहीं किया, वो ठरकी तो नहीं था? ड्राइवर थोड़ा शेडी था, मैं तो दूसरी गाड़ी में आ गई, इसे दूसरी गाड़ी गई। अच्छा भाई, अच्छा क्या, दूसरी गाड़ी कर लो। जब लेवल बहुत ऊपर हो जाता है ना, फिर वो इफेक्टिव हो जाता है भाई, डिफेक्टिव हो जाता है। ओह माय गॉड, गाड़ी में खराबी क्या हुई थी? कह रहा है हीट अप हो गई है, हीट अप हो गई थी, आप बैठोगे तो हीट अप होगी, अभी होगी बंदा हीट अप हो गया होगा, गाड़ी नहीं हुई होगी, कह रहा है हीट अप हो गई है, बोनट खोल के अपने आप पे पानी डाल रहा होगा, पानी अपने आप पे डाल रहा था। यार मुझे एक बात समझ नहीं है, कह रहा है गाड़ी हिटअप हो गई, फिर मुझे कह रहा है मुझे स्टेपनी की जरूरत, स्टेपनी क्या होती है? स्पेयर व्हील सॉरी तो टायर के लिए इस्तेमाल होती है, तो गाड़ी हीटअप और स्टेपनी का क्या भाई? ऐसा ही है जैसे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड भाई, उसने सीधा सीधा आपको जो है ना इधर उधर घुमाया, वो टाइम स्पेंड करना चाह रहा था, आपको पहचान गया होगा, और वैसे आप पहचानने की जरूरत भी नहीं है माशाल्लाह, आपको तो मैं देखते ही पहचान गया था, पहली मुलाकात मेरे घर, तुम तो वही हो, याद है तुमने कहा मैं आज टीवी पे आती हूँ, उसने जान करके किया होगा, लेकिन अच्छा उसने डिग्गी खोली या डिग्गी खुलवाई, बॉनेट खोला, डिग्गी खोलो, डिग्गी खोला, एक मिनट बॉनेट में स्टेपनी कहाँ होती है? तो डिग्गी स्टेपनी आगे बड़ी हुई थी, क्या स्टेपनी उसके आगे थी? ना बाबा ड्राइवर की जगह ही गलत है, स्टेपनी तो डिग्गी में होती है, आप जगह ही गलत बता रही हो, या फिर आप स्टेपनी गलत बता रही हो, नहीं उसने स्टेपनी कह रही है, इसका मतलब आप गाड़ी में नहीं बैठी, उसने अपने मुंह से बोला कि मुझे लग रहा था स्टेपनी नहीं है, लेकिन तह तक जाऊंगा जी, हाँ। उसने अपने मुंह से बताया कि स्टेप, मुझे लग रहा था कि स्टेपनी नहीं, लेकिन ये पहली गाड़ी है जिसमें स्टेपनी आगे, और वो गाड़ी का जो आगे का जो डैशबोर्ड है उसमें से इसकी फॉक्सी थी, फॉक्सी मीरा थी, पीछे होता है मीरा थी, नहीं मीरा थी, मीरा थी, मीरा थी, और मीरा की स्टेपनी तो कहीं भी हो सकती है, गाड़ी मीरा, गाड़ी मीरा थी, गाड़ी मीरा थी, गाड़ी मीरा थी, गाड़ी मीरा थी, ये बहादुरी करी है, इसने फौरन दूसरी राइड कराई और यहाँ आ गई, क्योंकि उसने स्टेपनी निकाली गलत जगह, ड्राइवर का फोन आ रहा है, आ गया नीचे, आ गया दोबारा, ओके बंद करो, बंद करो, ड्राइवर आ गया उसका नीचे, ये ड्राइवर वो तो नहीं है, आशुतोष राणा ने कैरेक्टर किया था दुश्मन ड्राइवर, दुश्मन फिल्म में, आशुतोष राणा, आशुतोष राणा, यार देखे हम जिसे हम पसंद करते हैं उसका नाम भी पता होता है, आशुतोष राणा दुश्मन में क्या काम किया है, और उसमें संघर्ष और गाना भी उसका दुश्मन ना करे तो उसमें थोड़ी था गाना उनके लिए बना, उसका ये वायरल हुआ था वो, उसमें वो संघर्ष उनका वो संघर्ष, ये दुश्मन का जो है ना इसमें तो काजोल थी, संघर्ष में प्रीति जिंदा थी, प्रीति जिंदा थी, और हम भी अपनी प्रीति जिंदा से, यार क्यों बिला हो जाए मैं, नहीं नहीं यार ये हमारा हमारे पैसे हैं, हमारे हमारे पैसे, ये तो हमारे पैसे, आप हमारे मुल्क का फखर हैं, और हम शो खत्म करते हैं इसी बात पे, इसी बात खत्म करते हैं, यार मुझे अभी जो टेंशन हो रही है स्टेपनी, ये अभी ऑफिसर बात करते हैं, ऑफिसर भाई नहीं स्टेपनी उसने आगे से क्यों निकाली भाई, स्टेपनी नहीं थी यार, खत्म करो बात यार पीछे